लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करेंगे जो कि सोजो या सुपर नेचुरल कैटेगरी में आता है, बट अगर तुम इसके तीनों सीजन्स को देखोगे तो तुम्हें ये एक सोनेन एनिमे से बेहतर लगेगी और स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का एक लिमिटेड एडिशन लगेगी। यस, मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट बास्केट एनिमे की। इसके तीन सीजन्स है और एनिमे की स्टोरी पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, बट अगर तुम इसके पूरे तीन सीजन एक साथ कंटिन्यूसली देखोगे तो ये शो पक्का तुम्हें इतनी अच्छी से सेटिस्फाइड फील कराएगी कि तुम इसे फिर से रिवॉच ही नहीं करोगे। क्यों भाई, इतनी अच्छी एनिमे बोल रहा है तो उसे दूसरी बार तो देखना चाहिए। देखो भाई, फिक्शन को फिक्शन की तरह देखना चाहिए जब तक वो किसी के मोरल्स या सेंटिमेंट को हर्ट ना करे, बट ये एनिमे तुम्हें अपने कैरेक्टर्स के साथ इतनी अच्छी से कनेक्ट कर देगी कि तुम हर एक कैरेक्टर के हर एक इमोशन को फील कर पाओगे। और अपने एवरेज एनिमेशन के बाद भी ये एनिमे तुम्हें फिक्शन से कुछ ज़्यादा फील करवाएगी। और अगर तुमने तीनों सीजन्स बैक टू बैक देखा है तो तुम्हें श्योरली इसे रिवॉच करने से पीछे हटोगे, एज तुम जान जाते हो कि इतने सारे इमोशंस को एक साथ एज ए कंटेंट तुम कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर तुम इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो ये एनिमे तुम्हें डीपली इम्पैक्ट करेगी। एनिमे का ओवरव्यू दिया जाए तो एक लड़की तोरू होंडा इस एनिमे का प्रोटागोनिस्ट है और इसके अराउंड ही पूरी एनिमे रिवॉल्व होती है। तोरू होंडा एक ऑर्फन स्कूल गर्ल होती है जो अकेले एक टेंट में पहाड़ी के बीच में रहती थी। फिर उसके बाद उसकी मुलाकात यूकी सोमा और क्यो सोमा से होती है जो उसके ही पोटेंशियल क्लासमेट रहते हैं, और ये लोग तोरू होंडा को अपने घर में रहने देते हैं। बट आगे जाके तोरू होंडा को एक बिटर ट्रूथ पता चलता है कि क्यो, यूकी और सोमा फैमिली के कुछ मेंबर्स पोजेस्ड है सोमा कर्स से, यानी उनमें जोड़े मेंबर्स के स्पिरिट बसती है। और जब भी ये लोग स्ट्रेस्ड या दुखी रहते हैं या जब इनका ऑपोजिट सेक्स का इंडिविजुअल इनको हक करता है तब ये लोग अपने जोड़े स्पिरिट के एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यूकी में रेट यानी चूहे का स्पिरिट रहता है और क्यो में कैट यानी बिल्ली का स्पिरिट रहती है। बट ये एनिमे एक हाई स्कूल टीनेज लव ड्रामा पे ख़त्म नहीं हो जाती है जिसमें तुम हर एक कैरेक्टर की डेवलपमेंट विटनेस कर पाओगे। तोरू होंडा जो कि एक चेयरफुल लड़की रहती है जो अपने सिचुएशन की कदर ना करते हुए दूसरों की अंधाधुन मदद करती है, बट हर बार उसको लोग यूज करके साइड में धकेल देते थे। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग की कदर ही कहाँ होती है। उसको अपने इस पिटीफुल सिचुएशन से निकल के अपनी एक खुद की फैमिली और फ्रेंड सर्कल बनाती है बिना अपनी पर्सनालिटी या अपने मॉरल्स को चेंज करके। ये देखने में सबसे इंटरेस्टिंग लगता है और ये कैरेक्टर तुम्हें कुछ हद तक एक सोनेन मेन कैरेक्टर की याद दिलाएगी। और यूकी सोमा और क्यो सोमा की बात करें तो फर्स्ट सीजन में एनिमे कुछ हद तक एक रिवर्स हारेम जैसे लगेगी, बट आगे आगे दोनों कैरेक्टर के साथ जस्टिस हो जाता है। पहले जो कैरेक्टर लगता था कि एज ए राइवल या फैन सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया है वो आगे जाके एक मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट में काम आता है। और जो कैरेक्टर हमें लगता है कि मेन कैरेक्टर से एंड अप करेगी उसे अपनी लाइफ की और एक पर्पज मिल जाता है, या फिर बोले तो अपने जैसे एक और इंसान मिल जाता है जो अभी भी अपने दिल में पत्थर रखी हुई है। और इसका जो सो कॉल्ड एंटागोनिस्ट है आकितो सोमा, जो कि सोमा फैमिली का हेड रहता या रहती है, इसका पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक ही एपिसोड में दिखाया दिया जाएगा, बट फिर भी इतना बड़ा चेंज कोई रश या जल्दबाजी जैसे फील नहीं होती है। और भी एक मेजर कैरेक्टर रहता है शिगुरे सोमा, जो यूकी का गार्डियन रहता है और डॉग के स्पिरिट से पोजेस्ट रहता है। ये कैरेक्टर फाइनल सीजन के लास्ट दो एपिसोड तक तुम्हें कन्फ्यूज करके रखेगी कि ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है या एक नेगेटिव कैरेक्टर। ये एनिमे मेनली दो कॉन्सेप्ट को सिम्बोलाइज करता है। पहले कॉन्सेप्ट में हमें सोशल बुलिंग को सिम्बोलाइज किया गया है। सोशल बुलिंग मतलब सिंपली बोले तो सोसाइटी या समाज में जो भी वीक या वल्नरेबल रहते हैं उनका शोषण किया जाता है जस्ट अपने आप को कूल या सुपीरियर दिखाने के लिए। इस एनिमे का टाइटल फ्रूट बास्केट का मतलब एक्चुअली एक जापानीज गेम रहता है। यह गेम एक टाइप का म्यूजिक चेयर का थोड़ा अल्टरनेट वर्जन रहता है जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स को एक एक फ्रूट के नेम से बुलाया जाता है। बट स्कूल में जब तोरू होंडा ये गेम खेलती है तब उसका नाम राइस बॉल दे दिया जाता है, यानी ओनिगिरी जैपनीज में। और एज राइस बॉल एक फ्रूट नहीं है इसीलिए गेम में उसका नाम ही कभी बुलाया नहीं जाता, और इसी कारण वो गेम में हर बार पीछे छूट जाती है। और इसी तरह के सोशल बुलिंग के इंसिडेंट उस पर होते रहते हैं, यानी बोले तो उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब वो सोमा फैमिली के बीच रहने आती है तब भी उसे एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है।
तोरू होंडा की तरह और भी कैरेक्टर होते हैं जिन्हें सोशल बुलिंग को फेस करना पड़ता है, जैसे उसी का ही एक बहुत अच्छा दोस्त क्योसोमा, या फिर बोले तो उसके दो और लड़की वाले दोस्त। कैट या बिल्ली के स्पिरिट को सोमा फैमिली एक तरह से पसंद नहीं करती थी और उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे, और इसका रीजन भी सिगुरे सोमा एक एपिसोड में बोलता भी है। जब वो कैट की स्पिरिट को देखते हैं तब उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड हम एटलीस्ट उसके जैसे तो नहीं बने हैं। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें साइलेंट वॉइस और जोसे द टाइगर एंड द फिश जैसे मूवी में भी देखने को मिलेगा। पूरे एनिमे में अगर तुम तोरू होंडा के एक्शंस को मार्क करोगे तो तुम्हें कुछ कुछ हद तक एक सोनेन एमसी की वाइब्स आएगी। मतलब इस कैरेक्टर का एक ही गोल रहता है जिसके लिए ये पूरी डिटरमाइंड होती है, जो कि है किसी तरह करके सोमा कर्स को तोड़ना। बट बीच बीच में दूसरे कैरेक्टर्स के इमोशंस इतने डीपली तुम्हें इम्पैक्ट करती है कि तुम्हें एनिमे का मेन मोटिव या पर्पोज या फिर तुम भूल जाते हो या फिर तुम्हें पता ही नहीं चलता। तोरू होंडा अपने गोल के लिए डेस्परेट और सेल्फिश दोनों रहती है, मगर फिर भी एनिमे में इस गोल का डेस्परेशन दिखता नहीं है। एनिमे देखने के टाइम तुम बस यही विश करते रह जाओगे कि सारे कैरेक्टर्स के गोल पूरे हो जाए, जो कि आखिर में हो भी जाते हैं। सारे कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप मेक सेंस करती है, ना कि बस फैन सर्विस के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा लो। ये एनिमे अपने कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और सबसे अम्यूजिंग बात यह है कि लास्ट सीन में जब तुम एनिमे का कंक्लूजन देखते हो तो तब जाके तुम्हें इस एनिमे का मोटिव या फिर मेन कैरेक्टर का गोल याद आता है। और ये एम्ब्रेस वाला सीन देख के तुम्हें अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो भाई तुम इंसान नहीं बुजदिल हो। वीडियो को कंक्लूड करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और अगर तुम नरम दिल इंसान हो जो योर नेम जैसे एनिमे भी संभाल नहीं पाते तो ये एनिमे अपने रिस्क पे देखो। एंड कीप वॉचिंग बिकॉज यू आर ए ईगर वॉचर। साइनिंग आउट। पीस।